मैं आलजीएंड के होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की प्रेसिडेंट कमला शर्मा बोल रही हूँ। हमें सरकार से एक ही अपील थी, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, लेकिन हमने 3 दिन अभी प्रोटेस्ट किया था 14, 15, 16 को। सरकार ने उसके बाद हमारी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो प्रपोजल सेक्रेटरेट के अंदर भेजा है उसमें क्या भेजा है, 9 दिन के बजाय 18 दिन का, वो तो 2018 में भी भेजा। और इन्होंने एक्ट हमें कौन से लगाए हुए हैं, 1949, 1965, 1966 और 1947 के, जब हम लोग पैदा भी नहीं हुए, 75 साल हो गया देश आज़ाद हुए, लेकिन जम्मू कश्मीर के अंदर आज भी वही होमगार्ड गुलामी सह रही है। आज भी इन्होंने 1946 एक्ट, 1947 और 49 एक्ट लगाए हुए हैं, वो कौन से एक्ट है? हम बोलते हैं देश बदल रहा है, जम्मू कश्मीर अगर इन्होंने 370 तोड़ा है, केंद्र शासित देश किया है, स्टेट को इन्होंने झूठी बनाया, फिर हमें झूठी का फायदा क्यों नहीं दिया गया? जे कौन से कानून एक्ट ला रहे हैं? हम चाहते हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर था 3 मार्च 2015 का, वो था 30 दिन की ड्यूटी, तो हमें सरकार क्या बोलती है, 18 दिन तो 20 दिन ले लो। हम 18 दिन 20 दिन ने हमें पूरे 30 दिन दिए जाए, जो सुप्रीम कोर्ट का आर्डर है, इस वर्दी की कदर की जाए हमारी लोगों जवानों की, जो भूखमरी के शिकार हो रहे हैं अब हमारे लोग, जे लोग गवर्नमेंट को शर्म नहीं आ जा रही है? आप 2.5-3 लाख रुपया सैलरी ले रहे हो तब भी आपका घर नहीं चल रहा, जे 2700 रुपये पे अपने बच्चों का इनका भविष्य क्या है, हमारे परिवार का क्या भविष्य है? जे बोलते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी लिखाओ, जे ही बेटियाँ पढ़ा के तो सड़कों पे खड़ी कर रहे हैं जे लोग, हम इनसे यही अपील करेंगे जो झूठी के अंदर चंडीगढ़ के अंदर मिलता है, दिल्ली के अंदर, पांडिचेरी के अंदर और अंडमान निकोबार के अंदर, वही जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दिया जाए। अगर आपने झूठी बनाया तो झूठी के कानून क्यों नहीं लागू किए गए? अभी भी हमें 1947-49 के एक्ट लगा रहे हैं, वो कौन सा एक्ट है जो इन्होंने प्रपोजल सेक्रेटरेट के अंदर भेजा? मैं अपील करती हूँ अपने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से कि आप सर इनकी बातों में मत आइए, जे तो हमारे फेवर में कभी देते ही नहीं है, जे करोड़ों रुपए के खाते हैं इनके फंड, तो हमारी डेलीगेशन के साथ बात की जाइए और हमारी सुना जाए कि सुप्रीम कोर्ट का क्या आर्डर था, उन्होंने क्या आर्डर दिया वो भी पढ़ के दे, हमारे मुंह से नहीं सुने, हम उनको वो वाली फाइल देंगे, वो उसको खुद देखेंगे और खुद इस पर इम्प्लीमेंट गौर करें। जय हिंद, जय भारत।